क्या करना है, छंद से गिरने से बचाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि गांव वगैरह में इलाके में जहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिस एरिया में ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वहाँ क्या होता है, कोई आते बाबा वगैरह तो कहते हैं अगर ये छन्नी से अगर मैंने ऐसे पानी निकाल दिया तो मतलब आपके घर में समस्या चल रही है, मैं उसका निवारण बताऊंगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा ना। तो एक बार करके देखते हैं, पानी आ रहा है इजिली, ठीक है, तो ऐसे कर देगा, ठीक हो। अब क्या होगा, फिर वो कुछ दिनों बाद और आएगा, फिर कहेगा अब अगर मैंने छन्नी से पानी नहीं, मतलब छन्नी से अगर पानी नहीं निकला तो मतलब आपके घर की समस्या सही हो गई, वो फिर से आपकी कचना ले जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम लोग अब पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए, लेकिन क्या होगा आपका पानी नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा ना पानी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसमें सुई डालूंगा तो ये हो रहा है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सुई डाल रहा हूँ, पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा ना तब भी। तो देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझना एक्चुअल में ऐसा है क्या, मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है, आप देखो मैंने हल्का सा जगह दी इसको तो ये सारा का सारा पानी निकल गया। अब आप लोग देख रहे हो कि छन्नी के बीच में पानी चिपका हुआ है, चिपका हुआ है ना, छन्नी के बीच में क्या हुआ, पानी चिपका हुआ है, क्योंकि पानी चिपका हुआ है फोर्स के कारण, किसके कारण चिपका हुआ है, फोर्स के कारण, ठीक है। अभी पता क्या हुआ, जब मैं क्या कर रहा था आपका, इस पानी को इसके ऊपर से ऐसे करके डाल रहा था तो फोर्स नहीं लग रहा था उतना ज्यादा कि वो पानी को रोक सके, लेकिन अब पता क्या हुआ, आप देखो, अब यहां से आपको समझना है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, देखो ये वाटर दिख रहा है आपको, ये पानी की टॉप लेयर दिख रही है आपको, अभी सर ने बताया ना कि छोटे छोटे एटम होते हैं, तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो पता क्या होता है, पानी की टॉप लेयर पे होते हैं पानी के मॉलिक्यूल, यानी कि पानी के एटम, मान लो अगर आपकी सामान्य भाषा में बात करें तो। अब वो पता क्या करते हैं, वो कुछ करते हैं अंदर की तरफ पानी, कभी आप लोग बस में बैठे हो, बस मान लो थका भरती है तो रोडवे से कंडक्टर क्या होता है, बहुत जगह खाली है, बहुत जगह खाली है, अंदर जाके देखते हो क्योंकि खाली नहीं होती है ना, तो कई लोग बाहर से लटकते हैं, तो लटक के रहते हैं तो क्या करते हैं, अंदर की तरफ को क्या देते हैं, धक्का देते हैं ना, जैसे लटक रहे गाड़ी चल रही आगे को चलती चलती ट्रेन में लटक जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो बाहर का सबसे बाहर का आदमी वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ को फोर्स लगा रहा है। सेम प्रिंसिपल ऐसे ही इस ग्लास में होता है, ग्लास के टॉप के वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अंदर की तरफ को फोर्स लगाते हैं। तो पता कैसे, देखो जैसे ही वो हम क्या कर रहे हैं, ये पानी की जो टॉप लेयर की मॉलिक्यूल है ना वो इसके साथ आ गए, उन्होंने किसके साथ बॉन्डिंग बना ली, इसके साथ छन्नी के साथ, किसके साथ बना ली बॉन्डिंग, छन्नी के साथ। अब जैसे ही उन्होंने छन्नी के साथ बॉन्डिंग बनाई तो पानी के टॉप लेयर के मॉलिक्यूल ने कहा मैं छन्नी से नहीं निकलने वाला, मैं छन्नी को अपनी तरफ खींच लूंगा लेकिन मैं नीचे की तरफ को नहीं जाऊंगा। तो इसमें क्या लगता है, फोर्स, और ये किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है, यानी कि छन्नी का क्या है, पृष्ठ तनाव ज्यादा हो रहा है सतह पर, जिस वजह से क्या हो रहा है, छन्नी और ये पानी, मतलब छन्नी में से पानी नीचे की तरफ को नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो छन्नी है ये किसी